So let's do one more problem. एक मोनोक्रोमैटिक लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3 × 10⁴ हर्ट्ज लेजर से प्रोड्यूस होता है. पावर एमिटेड इज 1 × 10⁻³ वॉट. तो फोटोन की एनर्जी क्या है, ये पहला पूछा गया है. दूसरा ये पूछा गया है कितना फोटोन एमिट हो रहा है पर सेकेंड ऑन एन एवरेज बाय द सोर्स. तो सबसे पहले अगर फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो फोटोन की एनर्जी होती है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी. हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जानते हैं 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड. इफ वी मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी वी गेट द एनर्जी एज 1.99 × 10⁻¹⁹ जूल. तो फॉर द सेकेंड पार्ट अगर हम मान के चलें कि n फोटॉन्स एमिट होते हैं हर सेकेंड सोर्स से, तो पावर ट्रांसमिटेड होगा n इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, राइट. तो इसका मतलब है n इज पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन. अब पावर है 10⁻³, एक फोटोन की एनर्जी हमने पार्ट वन में निकाल लिया है, तो इससे मुझे मिलता है कि वो सोर्स 5 × 10⁵ फोटॉन्स पर सेकेंड एमिट करता है. तो एक 10⁻³ वॉट का जो सोर्स है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इज 3 × 10⁴ हर्ट्ज, इट एमिट्स 5 × 10⁵ फोटॉन्स पर सेकेंड. तो पावर अगर दिया गया है, यू कैन बेसिकली डिवाइड इट बाय द एनर्जी ऑफ वन फोटॉन एंड फाइंड आउट कितने फोटॉन निकल रहे हैं ऑन एन एवरेज पर सेकेंड.